नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। बीते एक सप्ताह से सूबे में हत्या, नरसंहार और जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने सरकार पर तीखे वार किए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को छपरा में सुबह सुबह एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। श्याम रजक ने बताया कि बिहार में सुशासन पूरी तरह फेल है। नीतीश कुमार कहते थे कि जब भी किसी जिले में घटना घटती है तो उस जिले के पदाधिकारी की क्लास लगाई जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मधुबनी से लेकर नवादा छपरा वाली घटना में दोषी को बचाया जा रहा है और निर्दोष को फंसाया जा रहा है। छपरा की घटना, सिवाल की घटना, ये सब बता रही है आपके सुशासन के जो चेहरे हैं उसको नंगा कर रही है। तो आपको विलंब ऐसे लोग बकावे करना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको फंसा लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही दिन भर की तमाम खबर देखने के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। धन्यवाद।